हेलो दोस्तों, मनोज दे एक ऐसा बंदा है जो कि भाई किसी भी टॉपिक से कंटेंट निकाल लेता है। मनोज दे के बारे में नहीं पता हो तो मैं बता दूं, एक टेक सपोर्ट बंदा है जो कि यूट्यूब के चैनल को अपग्रेड करने को, ग्रो करने को और कैसे बनाना है वो बताता है। तो आज मैं बताऊंगा कैसे वो हर टॉपिक पे, ट्रेंडिंग टॉपिक पे कंटेंट निकाल लेते हैं। मैं काफ़ी लंबे टाइम से यूट्यूब पे लगा हुआ हूँ पैसे कमाने के लिए। उससे पहले मैं गेमिंग में घुसा हुआ था। जब पबजी नया नया लॉन्च हुआ था तो मैंने गेमिंग चैनल खोला था, लेकिन उसमें भी मेरे को कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। तो फिर मैंने सौरभ जोशी व्लॉग देखा, फिर उसके बाद मेरे नज़र में आए मनोज दे सर का चैनल, जिसमें कि उन्होंने कैसे ग्रो चैनल करना है वो बताया। और आज मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा कि वो कैसे ट्रेंडिंग टॉपिक और कैसे निकालते हैं और क्या क्या बताते हैं। हेलो गाइस, वेलकम इन माय व्लॉग। आज मैं बताऊंगा, मेरा नाम है ध्रुवकेश, जो कि मैं करता हूँ डेली व्लॉग्स। और डेली व्लॉग्स नहीं हो पाते तो कोई बात नहीं, मैं घर पे एक रूम में रह के अपने बारे में और अपने मतलब मैंने आज पूरे दिन क्या सोचा और क्या किया तो ये भी बता देता हूँ मैं अपने व्लॉग पे। तो आज मैं बताऊंगा मनोज देव के बारे में, जो कि एक टेक्निकल सपोर्ट की तरह काम करते हैं और जिन्होंने बहुत अच्छा ग्रो किया है यूट्यूब चैनल पे और अपनी लाइफ चेंज की है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी इनकम करने के बाद और अपने शायद उन्होंने लव मैरिज किए हैं और उनके पास अब आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा वो मतलब सक्सेस हो चुके हैं अपनी लाइफ में। और सक्सेस होना भी चाहिए भाई, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो, लगातार मेहनत कर रहे हो तो। तो उन्होंने शायद बहुत लंबे टाइम से, आज उनको 6-7 साल हो गया, 6-7 साल में उन्होंने इतना ज़्यादा इनकम कर लिया है कि उन्हें मतलब 30-40 साल में कमाता है, जितना कमाता है, जितना जोड़ पाता है, उस लेवल पे वो अब खड़े हैं। और वो उनकी एज भी कोई ज़्यादा नहीं है, उसके बावजूद भी वो उस लेवल पे खड़े हैं, जो कि 30-40-50 साल का आदमी सक्सेस होने के बाद उस लेवल पे खड़ा होता है। और वो अपना घर बनवा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से और अपनी दुकान चला रहे हैं, दुकान तो नहीं कहूँगा, शोरूम चला रहे हैं, जो कि टेक्निकल सपोर्ट से ही लिंक है। और अपने चैनल मतलब दूसरों को चैनल्स को ग्रो करने को उनके इक्विपमेंट्स बताते हैं। और वो हाँ, तो मैं आज उनके चैनल के बारे में बात कर रहा था कि वो चैनल पर कैसे ट्रेंडिंग वीडियोस को, ट्रेंडिंग टॉपिक्स को पकड़ के अपने चैनल पे लंबी लंबी कंटेंट वीडियो बना लेते हैं। उनकी भाई दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। अभी इस टाइम पे सौरभ जोशी व्लॉग बहुत ज़्यादा तगड़ी तरीके से चल रहा है और उन्होंने उस टॉपिक पे कैसे कंटेंट निकालना है ये भी सोच लिया। उन्होंने टॉपिक ये रखा कि हाउ टू मेक अप सौरभ जोशी व्लॉग्स, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और बहुत अच्छी स्कोरिंग इनकम और बिना कोई ज़्यादा मेहनत के, अपने सिर्फ डेली लाइफ को दिखा के उन्होंने इतना ज़्यादा सक्सेस कर लिया है और सभी लोगों को उनकी इनकम देख के जलन होती है, मुझे भी मिला के। तो उनकी मेहनत, सभी लोग मेहनत करना चाहते हैं लेकिन लोगों को तरीका नहीं पता होता। तो मनोज देश सर वही काम करते हैं, उनको तरीका बताते हैं कैसे उन्हें अपने चैनल को ग्रो करना है, उनको अपने चैनल पे काम कैसे करना है, वो सिर्फ यही तरीका बताते हैं। और अगर आप भी अपना चैनल ग्रो करना चाहते हैं, चैनल बनाना चाहते हैं, यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं या ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप भी उनका चैनल फॉलो कर सकते हो, जो कि मनोज दे करके है। और उस चैनल को अगर आप फॉलो करते हो, स्टार्टिंग से वीडियोज़ देखते हो, तो आप भी अपना एक चैनल ग्रो कर सकते हो। लगातार वीडियोस डालनी पड़ेगी रेगुलर बेसिस पे, जिसमें कि आप कभी भी कुछ भी वीडियोस डाल सकते हो अपने हिसाब से, किसी भी चीज़ में आपको जो भी पसंद हो उसी चीज़ पे वीडियोस डालें और रेगुलर उसी चीज़ पे वीडियोस बनाएं जो आपको पसंद हो, ताकि आप लगातार उस चीज़ पे काम कर सकें। क्योंकि आपको जो चीज़ पसंद होगा आप उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। मेरे एक और चैनल है जिसपे मैं अपने नॉर्मल वीडियोज़ डालता हूँ, जो कि अलग अलग टॉपिक्स पे होती है और बहुत ज़्यादा यूनिक्स होती है, यानी कि ट्रेंडिंग मशीनरी, ट्रेंडिंग अलग अलग चीज़ों पे वीडियोस बनाता हूँ और उस पे मैं अपनी वॉइस ओवर करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन और एक अगले अलग टॉपिक से।